हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ऑटो क्लिक डुअल टाइमिंग सेटिंग्स से, तो ऑटो क्लिक डुअल टाइमिंग सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन आपके शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है, सेटिंग्स पर जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपनी आएगी, फिर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो सर्च करते ही ऑटो क्लिक डुअल टाइमिंग सेटिंग्स आ जाएगी, जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टाइमिंग वगैरह को आप यहाँ से सेट कर पाएँ, मीडियम, लॉन्ग टाइमिंग, कस्टम टाइमिंग, जिसमें आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। ऑटो क्लिक ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ हो जाएगा जो हमारा टाइमिंग होगा। तो इस तरीके से ऑटो क्लिक डुअल टाइमिंग सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर वीवो फ़ोन में। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, तो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी ऑटो क्लिक डुअल टाइमिंग सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आपके फ़ोन में ऑप्शंस नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ से स्वाइप करना है और यहाँ से सेटिंग्स पे चले आना है। सेटिंग्स पे जाते ही फ़ोन सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे जाना है और शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। फिर एक्सेसिबिलिटी को ओपन करते हैं, तो आपको ये मिल जाता है ऑप्शन टाइमिंग कंट्रोल सेटिंग्स का। यहाँ से ऑटो क्लिक डुअल टाइमिंग सेटिंग्स को आप सेट कर पाएंगे। यहाँ से आप टाइमिंग वगैरह को मीडियम, शॉर्ट एंड लॉन्ग पे आप सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऑटो क्लिक डुअल टाइमिंग सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने वीवो फोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।